नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार गुप्ता। आप कहाँ के रहने वाले हो? मस्कनवा बाजार, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। आपकी क्या उम्र है? 30 साल। क्या करते हो आप? शूटिंग लाइन में काम करते हैं, कैमरा टेक्नीशियन। अच्छा, पढ़ाई कितना की आपने? ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट। बीए कंप्लीट है आपका? आप मतलब पढ़ाई करने के बाद में आप फिल्म लाइन में ही काम करना चाहते थे? नहीं, इससे पहले तो कुछ दूसरा प्रयास था, मतलब जब पुलिस में बनना, आर्मी में जाना। हाँ। लेकिन 2-3 बार मैंने ट्राई किया, उसमें सफल नहीं हुआ। तो फिर मैंने डायरेक्ट शूटिंग लाइन पकड़ा। फिर मैं सोचा कुछ सोच करके, कुछ काम करके कुछ बनना है, और आगे कुछ का काम करके कुछ आगे बढ़ाना है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ, मेरे 3 भाई हैं, 4 बहन हैं। मम्मी पापा? मम्मी पापा भी नहीं है। आपके मम्मी पापा नहीं है? नहीं। कितने साल हो गए? मम्मी को तो रिसेंटली 1 साल हुआ, और पापा को तो 10 साल हो गया। घर में अगर आपको कभी, जब आप छोटे थे तो सपोर्ट आपको कौन, मम्मा पापा को दोनों करते थे कि? सपोर्ट तो पापा ही करते थे। मम्मी तो काम ऐसा करती थी। और घर के बाकी लोग सब, आप लोग सब मतलब एक साथ में रहते हो? हाँ, सब साथ में रहते हैं। सब मतलब आप, जैसे आपके चाचा वच्चा सब एक साथ में रहते? हाँ, सब पूरी जॉइंट फैमिली हमारी। कितने लोगों की फैमिली है आपकी? अभी हम लोगों का मतलब, हमारे पापा को लेकर के 2 चाचा भी हैं, मतलब टोटल उनकी फैमिली मिला करके, बच्चे मिला करके 15-16 फैमिली है। 15-16 फैमिली। जब सब आप लोग एक साथ में होते होंगे तो मतलब कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए एकजुट, एक सलाह लेकर के, मतलब सब लोग साथ में बैठ करके बात करके, मतलब हमको आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, तो अच्छा ही लगता है। क्योंकि जॉइंट फैमिली मतलब जैसा होना चाहिए गांव में, अगर उस तरह से हर कोई अगर निभा ले जाए तो सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ है, बात सही है। जॉइंट फैमिली में मतलब एक ही चीज़ वो होता है कि जब सब सब साथ में रहते हो तो मतलब कोई भी चीज़ होता है तो आप सब साथ में मिल के करो, सबके उससे बाहर की भी चीज़ें रहती हैं उससे भी आप लोग कर सकते हो ना। हमारे परिवार को मजबूतियाँ मिलती है अगर हम जॉइंट फैमिली हैं, मतलब उसको कमजोरी के महसूस कभी नहीं होती है। और गांव में खेती होती है आपके वहाँ? खेती तो नहीं है, बाकी बिजनेस तो चल ही रहे। सब बिजनेस करते हैं? सब बिजनेस ही करते हैं। आपके चाचा? सब टोटली मतलब चाचा भी हो, भैया भी हो। क्या क्या बिजनेस करते हैं सब लोग? बिजनेस मतलब ये है, मतलब चाय का दुकान है और भाजी का धंधा, सब्जी वब्जी लगाते हैं। मतलब सब अपना पर्सनली एक एक काम करते हैं? सब संपन्न है, मतलब जैसे भी। और आप कहाँ पर हो अभी? मैं इसमें मुंबई में हूँ, मलाड वेस्ट, मालोनी आजमी गेट नंबर 7। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या नाम है आपके बच्चों का? मेरे बड़े बेटे का नाम रोनित गुप्ता है, जो अभी इस समय 6 साल का है। छोटे बेटे का नाम आदित्य गुप्ता है, जो 4 साल है। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ भी है, सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता। आपकी वाइफ का मतलब आपके उसमें क्या योगदान है, मतलब बढ़िया से आपका साथ देती हैं वो? 100% मेरा साथ देती है, क्योंकि मेरे हिसाब से कार्य करती है, जो उसको करना चाहिए मेरे से बिना पूछे कुछ कर नहीं सकती है, और जो उसको करना रहेगा तो पूरा मतलब मेरा ही सहयोग देगी, मतलब किसी प्रण का कोई उल्लंघन नहीं, मतलब सोच समझ के काम करेगी, जो करना चाहिए वैसे ही करेगी, जो धर्म पत्नी का मतलब रूप है उसको जो निभाना चाहिए वैसे ही वो करती है। बट मतलब वो आपका सपोर्ट करती हैं? 100% फुल सपोर्ट। और आप उनका सपोर्ट करते हो? करते हैं। चलो अच्छा है। और फिल्म, अभी मतलब फिल्म लाइन में आपने ज्वाइन किया, यहाँ से आपको काम काज को लेके, पैसों को लेके मतलब सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाती हैं? देखिए, ये चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहले जो प्रयास होता है हमको आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना, तो मेरे साथ सच्चाई हुई है कि मैं कैसे कैसे आगे आया और कैसे कैसे बढ़ा। मैं तो गांव से आया था, एक हमारे आजू बाजू वाले थे विनोद गुप्ता और अनिकार वर्मा, ये लोगों ने हमारा हेल्प किया, और मैं मुंबई में आया तो इन्होंने काम मुझे बताया कैसे क्या करना। मैंने तपस्या किया, आना जाना मतलब चर्च गेट से गोरेगांव आना जाना काम सीखा। उस समय किराया भी सस्ता था, 50 रुपये में भी मेरा 20 रुपये बचते थे, तो मैंने मतलब नाइट हो जाता था रिक्शे में सो करके, किधर भी करके नाइट, डे नाइट शूट करके। उसके बाद मैंने 5-6 साल स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद मुझे इस लाइन में आज 14 साल हो गए। फिर भी मैंने मतलब बहुत तपस्या करने के बाद मैं सोचता था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा,
लेकिन आज भी अपना मुंबई में छोटा मोटा ऊपर वाले की कृपा से, मम्मा देवी जी की कृपा से अपना घर भी है और सब संपन्न है, लेकिन ये होता है अगर जिन्होंने मतलब ठान लिया कि मुझे मेहनत करना है, आगे कुछ करना होगा, तो उसको सफलता अवश्य हासिल होगा, बट उसको मेहनत और ईमानदारी का ही फल देना होगा। बिल्कुल, पढ़ाई करके तो आपने कोशिश किया, वहाँ से नहीं मिली बट यहाँ से मिली। यहाँ से मिला, मैंने पढ़ाई भी किया, मेहनत भी किया, मेरा पहले फुल मेरा सपोर्ट था, मुझे पुलिस बनना है तो आर्मी में जाना, मैंने दोनों चीज फुल ट्राई किया, लेकिन वो ट्राई में मुझे नहीं हुआ, मतलब एग्जाम भी दिया, रन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन होता है कि उसमें नहीं होता है, घुसपा ज्यादा लगते हैं, फिर मैंने वहाँ से हटा दिया क्योंकि अपने पास अपना बैकग्राउंड में बैलेंस नहीं था, मतलब इतना नहीं था कि आप 2-4-10 लाख किसी को घूम दे सकते हो। और पढ़ाई के लिए तो मतलब ऐसा नहीं था कि आप पढ़ रहे थे तो पैसे का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं नहीं, पैसे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था पढ़ाई में। अभी आपके मतलब मम्मी पापा नहीं है तो आपके चाची चाचा का मतलब सबका आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, फुल सपोर्ट मिलता है, हमारे चाचा हैं, चाची हैं, चाचा भी नहीं है, खाली चाची है, दोनों चाची भी हैं। दोनों चाची भी हैं? हाँ, दोनों चाची हैं, मतलब चाचा भी नहीं। और भाइयों में आपका कैसा हो रहता है? भाइयों का भी अच्छा विचार है, वो लोग के भाई हमारे भाभी हैं, उनके दो बेटे एक बेटा है, जो भी अच्छे से कुछ भी करना रहता है तो अपने से भी सलाह लेते हैं, कुछ भी बात करना होगा जाएंगे अच्छे से, मतलब व्यवहार अच्छा उनका भी। आपकी बहनें कितनी हैं? 4 बहनें टोटली, मतलब चाचा चाची सबको मिला के 4 बहनें? हाँ, 4 बहनें। अच्छा, शादी के 6 बहनें? सबकी शादी हो गई है? सबकी शादी हो गई है, सिर्फ एक भाई है शादी, उसी को करना है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है रवि। अच्छा, रवि वो कहाँ रहते हैं? वो भी मुंबई में रहता है। आपके साथ में काम? साथ में रहते। वो भी काम करते हैं ना? हाँ, काम करते हैं, उसको भी मैंने काम सिखाया, अभी काम कर ही रहा है, मेहनत करेगा वो भी मेरे जैसा ही आगे बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो है, सीखता सीखेगा तो आपसे ना वो। और आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरा बच्चा फर्स्ट वाला जा रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड भी में है, और सेकंड वाले का भी एडमिशन नहीं करा। कोरोना का क्या हुआ मुंबई में? कोरोना का मुंबई में तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा मतलब यहीं पे फैला हुआ है, कोरोना जैसी वैक्सीन महामारी बीमारी भी है, उससे हमको मतलब सेफ्टी, सावधानी, सुरक्षा, दो सब चीज़ों को बचा करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जैसा उन्होंने किया, सरकार ने लागू किया, ये हमारे पर किसी एक के पर तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, पूरे भारत में हर जगह है, तो इसको जैसा होना चाहिए किसी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हर नियम कानून के हिसाब से, शासन के हिसाब से हमको उसका पालन करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ को सेफ्टी ही, मास्क ही जीवन की ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हमको सेफ्टी ही बहुत चीज़ ज़रूरी है। बट अभी इस टाइम में मुंबई में तो कम है ऐसा? हाँ, मुंबई में कम है और दिल्ली साइड में, हाँ दिल्ली साइड में ज़्यादा है, और इधर भी मतलब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इलाज भी चलते रहे, अभी जैसा हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का सेफ्टी हो रहा है, इलाज भी चल ही रहे हैं, मतलब बहुत सारे कम भी हो रहे हैं, कंटिन्यू सब चालू ही है। चालू है। चलो, अब और कुछ कहना चाहते हो अपने घर को लेके या और किसी को लेके या मतलब समाज को लेके? आपके वहाँ जैसे गांव में है जो प्रधान लोग हैं, उनसे मतलब आप क्या वो रखते हैं? प्रधान है, जैसे हमारे ग्राम सभा के प्रधान है, उनको चाहिए मतलब कि सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि मतलब अगर हमारे बच्चों को या इन फ्यूचर में किसी को अगर उनको चाहिए शिक्षा के लिए, तो सर्वप्रथम शिक्षा की ही बेसिक चीज़ें ज़रूरत है, कि उनको अगर प्रधान चाहेंगे हमारा स्कूल अच्छा होना चाहिए, हमारा विद्यालय अच्छा होना चाहिए, हमारा नगर अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, जो हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, ये हमारे गाँव में जो कचर पट्टी लोग कर देते हैं, कचरे नहीं होने चाहिए, और आज हमारे गांव में या मतलब ब्लॉक के माध्यम से सफाई कर्मचारी हर ग्राम सभा में दो दो रखे जाते हैं, उसको साफ सफाई कराना चाहिए, कि उससे हमारे चीज़ बच्चे को कोई प्रदूषित चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। आपके वहाँ मतलब गांव के पास में हॉस्पिटल्स हैं? पास में हॉस्पिटल्स हैं, बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र है, और स्कूल भी हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स में है, और रोड भी आपके वहाँ? हाँ, रोड भी हमारे अच्छे ही है, मतलब संपन्न है, काफी चीज संपन्न है, मतलब अच्छा है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है बट है, करेक्ट है, मतलब मीडियम क्लास के लोग मतलब सही है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, मतलब किसी को अगर एनी टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लेके भागना दूर है, उसके लिए सोचना पड़े, पास में हॉस्पिटल है तो वहाँ जा करके हो जाता है। चलिए, और आप कुछ बताना चाहेंगे और आगे
यही है मतलब जो ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने मेहनत किया हर किसी को, मतलब कोई फैमिली में आपस में सब मेल भाव बना करके रखें, कोई किसी से मतलब दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, कोई किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हर एक को भाईचारा बना करके ही रखना चाहिए, ऐसे ही अपने फैमिली परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग। किसी का नुकसान नहीं पहुंचाने का, बाकी जो कोई क्या बोल रहा है, जो अपने काम का है वो उसको बोलने देने का, अपने जो काम का है आप उस पे फोकस करें, आप उस पे ही फोकस दे दीजिए, मतलब ध्यान आपको उसी पे ही देना है, जरूरी नहीं आप किसी के पीछे भागो, नहीं चलिए, बाकी सब अच्छा है, सब अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू।